1577 में आज के दिन गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। 1605 में आज के दिन मुगल शासक जहांगीर ने आगरा में गद्दी संभाली। 1881 में आज के दिन कलकत्ता एंड डायमंड हार्बर के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई। 1856 में आज के दिन दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ने संविधान को मान्यता दी। 1914 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ। वे आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थीं। वे वर्ष 1943 में अस्थायी आजाद हिंद सरकार के कैबिनेट में पहली महिला सदस्य बनी। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 1945 में आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। 1946 में आज के दिन पहली बार पृथ्वी का अंतरिक्ष से चित्र लिया गया। आज के दिन 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था। 1975 में आज के दिन भारत में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम लागू किया गया। 1984 में आज के दिन कोलकाता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था। 1991 में आज के दिन हिंदी की मशहूर लेखिका इस्मत चुगताई का निधन हुआ था। 2013 में आज के दिन हिंदी एवं बांग्ला फिल्मों के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक मन्ना डे का निधन हुआ। उनका वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे था। मन्ना दा ने वर्ष 1942 में फिल्म तमन्ना से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और वर्ष 1942 से वर्ष 2013 तक लगभग 3000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1971 में पद्मश्री, वर्ष 2005 में पद्म भूषण और वर्ष 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था।